सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके पास रियलमी C31 की कोई सी भी डिवाइस है, अगर आप उसमें आप लोग डाटा यूजर सेटिंग को ऑन करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। गाइस, आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो गाइस, ज़्यादा ना टाइम गवाते हुए वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग गाइस क्या करना, आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है, ठीक है। देन फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे देखना नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखने मिल रहा है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इस पर क्लिक कर लेना है। इसका मतलब यह होता है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे रियल टाइम जो भी आपके डाटा आता है, MB आती 1 सेकंड, 1 MB पर सेकंड या फिर 2 MB पर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी शो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे यह शो नहीं होता कि आपने आज डाटा कितना यूज़ किया है, कल कितना यूज़ किया, ठीक है। तो आप लोग गाइस क्या करना, इतना काम करने के बाद आपको बैक आ जाना, ठीक है। बैक आ जाने के बाद आपको देन प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। देन प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है, क्या करना है, इंटरनेट स्पीड, ठीक है। इंटरनेट स्पीड के लिए आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है। ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलती है तो परेशान नहीं होना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी, वहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। जो ओपन हो जाता है तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। तो गाइस, यहाँ पे पता चलता है कि आपने आज कितनी MB टुडे अगस्त यानी कि 28 तारीख 27 तारीख कितनी यूज़ की, टुडे में कितनी यूज़ की। तो यहाँ पे सारी के सारी यहाँ पे चेक हो जाती है, मोबाइल से, वाईफाई से या फिर टोटल से। टोटल यहाँ पे देखने मिलती है वाईफाई या मोबाइल, ये कितना इतना करना, ठीक है। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना, ठीक है। बैक आ जाने के ऊपर साइड में आप देख सकते हो, हम आपको दिखाएंगे ऊपर साइड में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस 0 KB पर सेकेंड, यहाँ पे कोई MB नहीं आ रही है, यानी कि 0% चल रहा है, मेरे 0% KB में चल रहा है, देख सकते हो KB, ठीक है, KB में चल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे और देखना तो सिर्फ आके देखना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आ जाती है, देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आ जाती है। स्पीड देख सकते हो जी, अभी 220 KB आती है, कभी कभी 1 MB की आती है। सिंगल देख सकते हो, 100% सिंगल है। मोबाइल 0 MB बोल रहा है और वाईफाई 0.1 MB, ठीक है। तो मेरा वाईफाई के थ्रू ये कनेक्शन है, तो अगर आपका जिसका भी जैसा भी कनेक्शन होता है उसको आपको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो गाइस, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन, मैं इसी एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो गाइस, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो गाइस। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जाना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।